हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में। यार इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एमएनआईटी जयपुर के बारे में, आई होप वो सभी ने वीडियो देख ली होगी। क्या कट ऑफ एक रिक्वायर्ड रहेंगी अगर आप इस बार जेई 2022 में टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपको एमएनआईटी जयपुर नहीं मिल पाता है तो ट्रिपल आईटी कोटा आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज ट्रिपल आईटी कोटा की अगर आप प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर दो ब्रांचेज हैं, सीएस की 10 LPA की अप्रोक्सली आती है, ईसी की 7.4 LPA, और हाईएस्ट प्लेसमेंट इट्स बिन की मैक्सिमम प्लेसमेंट्स भी 43 LPA यहाँ पर गया था, और ईसी यहाँ पर गया हुआ है 15.5 LPA। प्लेसमेंट परसेंटेज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स यहाँ की काफ़ी अच्छी रही हमेशा से, अगर 2020 बैच की भी देखोगे तो एवरेज यहाँ पर भी 11.7 थी उस समय पे, और 8.9 थी। अगर ओवरऑल देखोगे 10.4 LPA, और यहाँ पर देखोगे 9 LPA की अभी भी 9-10 एक एवरेज आप लेके चल सकते हो इसकी एवरेज प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं डायरेक्टली कट ऑफ पे। अगर जोसा की अगर हम कट ऑफ पे बात करें यहाँ पर, तो ओपन कैटेगरी के लिए हमारा 22,000 रैंक तक यहाँ पर सीएस मिल रहा था। इट्स मीन कि अगर आप एमएनआईटी जयपुर के साथ में कंपेरिजन करोगे, इतने में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह मिल रहा होगा, सिविल मिल रही होगी, और ईसी 28,000 तक मिल रहा होगा, तो इट्स बीन कि वहाँ का मैकेनिकल लेने से बेटर है कि आप यहाँ पर चले जाओ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है यार, ट्रिपल आईटी कोटा की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, आई थिंक 2 लाख रुपीज़ के अप्रोक्स है। एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर यार अपना चेकआउट कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद अगर हम बात करें कि सीएसए भी राउंड में कितनी फ्लक्चुएट हो गई थी, ओपन कैटेगरी 23,000 तक चला गया था, और उसके बाद में सीएस का ईसी 32,000 रैंक तक चला गया था। ये राउंड टू का है, थोड़ा सा राउंड वन में आओगे आप तो 22,000 तक सीएस, ईसी 30,000 तक। तो यार पूरा ब्रांच वाइज दे रखा है, कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स बीन की इन जनरल देखोगे अगर आप ओबीसी हो तो 36,000 तक यहाँ पर सीएस मिल रही थी, ईसी है अगर आप लेना चाहते तो 44,000 रैंक तक आपको मिल जा रहा था। ठीक है, तो ये राउंड वन का था। राउंड टू में देखोगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्सटेंशन मिल जाएगा, 42 था तो यहाँ पर 46 हो गया, यहाँ पर 22 था तो यहाँ 23 हो गया है, 30 से 32 तक चला गया। तो इट्स बीन की जितने राउंड्स आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो उतने हमारे वहाँ पर अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो भी डाउट क्वेरीज हुआ करें तो कमेंट्स करके बताओ, एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने दे रखा है, जाकर फिल कर देना कि सर मुझे इस NIT ट्रिपल आई टी इस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या क्या रैंक चाहिए होगी, क्या प्रोसेस है। तो सारी चीज़ हमारी टीम आपको इंडिविजुअल आपको ब्रीफ कर देगी, और उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज काउंसलिंग भी मिलती है। तो वीडियो आज की यहीं तक, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।